ऐसे कि हमें 20 साल पॉलिटिक्स में भी हो गए, 5 साल मिनिस्टर भी हम रहे जी, चेयरमैन भी रहे, CPS भी रहे, लेकिन ये हमारा फुल टाइम जॉब है राजनीति भी। सबसे पहले तो जो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हर बेटी को 18 साल से ऊपर 1500 रुपए माँ देंगे। नमस्कार, मानसून का मौसम है, बारिश झमाझम बरसती है और उसके बाद गर्मी भड़ास के रूप में निकलती है। ये भड़ास मौसम में भी देखने को मिल रही है और राजनीति में भी। नेता लोग लगातार अलग अलग मंचों से ढाड़ रहे हैं, कोई तमाम शालीनता की सीमाओं को लांघकर दूसरे को बदतमीज बताता है, कोई कहता है कि हम तो जमीन में ही गाड़ देंगे। लेकिन क्या नेता जो पब्लिक डोमेन में कहते हैं, जो रैलियों से कहते हैं, जो सदन के अंदर सदन से बाहर उनकी राजनीतिक बयानबाजी होती है, क्या वो घर में भी इसी तरह से अग्रेसिव रहते हैं या फिर उनकी घर की जो लाइफ है वो अलग होती है? यही दिखाने की कोशिश हम आपको करेंगे और ले जाएंगे अलग अलग नेताओं के घर। आज हम गोंदपुर में है इस वक्त ऊना में, और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी से बात करेंगे और देखेंगे कि जब वो नेता नहीं होते, एक आम गांव के नागरिक होते हैं, भाई होते हैं, पिता होते हैं, पति होते हैं या हम जैसे लोगों के मित्र होते हैं, तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या उनका रूटीन रहता है दिन का, और किस तरह से जो है ये राजनीति की जो गर्मा गर्मी है उससे इतर जो है वो अपने आप को शांत रखते हैं। तो आइए मिलते हैं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री से और फिर जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप कह उठेंगे कि दिल दिया गल्ला। मॉर्निंग मुकेश भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। झमाझम आपने पूरी फायरिंग करी पूरे सेशन में तो, लेकिन अगर हम बात करें मुकेश भाई राजनीति की, तो मैं जिस मुकेश अग्निहोत्री को सबसे पहले जानता था वो खबरें लिख रहा था जिस दिन मैं गया। ये बहुत पुरानी बात है, मेरे ख्याल 28-29 साल हो गए जब मैं नया नया आया था, तो आप जनसत्ता में थे और उस जमाने की स्थितियाँ थी कि मतलब नाम छपा मुकेश अग्निहोत्री तो लोग खड़े होकर उसको पढ़ते थे। तो ये कैसे फिर राजनीति में कैसे आना हुआ? नहीं देखिए, 15 साल मैंने पत्रकारिता की जी। और पत्रकारिता भी एक जुनून था और देर रात तक 1:30-2 बजे से पहले पत्रकारिता के दौरान भी हम कभी नहीं सोए थे। जब उस समय में टेक्नोलॉजी भी एडवांस नहीं थी। हाँ, वो समय था जब पहले टेलीफोन पे खबरें लगाई जाती थी, टेलीप्रिंटर पे लिखाई जाती थी और फिर बाद में फैक्स आया। और बाद में फैक्स का ज़माना आया, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी जी, जी। तो लगभग 15 साल के आसपास मैंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा को प्रेस दीर्घा कमेटी जो है उससे देखा जी। और फिर जो है एक बदलाव का दौर आया जिसमें हम राजनीति में आए जी। और 2003 से लेके अब लगातार लगभग 20 साल होने जा रहे हैं जी जी। और 20 साल से राजनीति में हैं। लेकिन डिसाइड कब किया आपने कि अब मुझे राजनीति में जाना, क्योंकि आप दिल्ली चले गए थे और हम लोग भी देखते थे कि दिल्ली से उनकी खबर आएगी, उसको पढ़ेंगे, फिर उसको देख के कुछ सीखेंगे लिखेंगे, तो कैसे ये ट्विस्ट कैसे आया लाइफ में? एक्चुअली जब दिल्ली में मेरा ट्रांसफ़र हुआ जी, और वहाँ जाके जब कांग्रेस बीट मेरे को मिली और बड़े नेताओं से मुलाकातें बढ़ी जी, तो उस दौरान बातचीत के दौरान जब नेताओं से बहुत ही नज़दीकियाँ हुई तो किसी ने ये कहा कि चुनाव में ही कूद जाओ। हाँ। आप राजनीति के बारे में इतना तो लिख रहे हो जी। और
फिर उस दौरान हिमाचल के पॉलिटिशियन आते थे जी जी, वो सब हमारे साथ बातचीत करते थे जी जी, बैठते थे। खासतौर पे वीरभद्र सिंह जी के साथ बहुत नज़दीकियाँ उस दौरान रही और वो आउट ऑफ पावर थे जी, और जब भी आते थे तो उनका सबसे पहले फ़ोन उनका मुझे आता था कि रात मैं आया हूँ, रात का खाना इकट्ठे खाएंगे जी जी। तो बस ऐसे चलता गया और ना जाने कब जो है पत्रकारिता से राजनीति में आ गए। मुझे अच्छी तरह से याद है सिर्फ 17-18 दिन का टाइम आपको मिला था जी, और उस जमाने में नारा भी लगा था कि 18 दिन में महाभारत लड़ा गया था, 18 दिन में हम लोग भी लड़ेंगे। ये कितना टफ था मुकेश भाई, क्योंकि 18 दिन में इलेक्शन मैनेज करना कोई सोच भी नहीं सकता था, और एक ऐसा आदमी जो जिसने जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ये आदमी जो है ये पॉलिटिक्स में भी आएगा, तो ये कितना टफ था और कैसे मैनेज हुआ? देखो मैं आपको बताऊँ कि चुनाव तो 24 घंटे में घूम जाता है, चुनाव तो एक रैली से घूम जाता है, तो मैं नहीं मानता कि कोई बहुत लंबा चौड़ा समय की किसी चीज़ के लिए ज़रूरत है, और इसलिए जो पहला चुनाव था जी, वो तो हमने लड़ा, हमारे फादर की गुडविल भी थी हाँ। और उसके बाद जो है परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स है जी जी, और हमारा ये है कि हम डेवलपमेंट का पॉलिटिक्स करते हैं जी, विकास ये तो पूरे प्रदेश जानता है जी जी, कि हमने विकास को एक नया आयाम दिया है जी। और अब भी अगर पूरे प्रदेश में अगर हमारे को कहीं मान्यता मिलती है जी, तो उसमें डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मसला है, लोगों को लगता है कि इन्होंने काम किया जी। उसके बाद विकास कल्याण गरीब की सेवा जी जी, का एक बहुत बड़ा एजेंडा रहा जी। और उसके बाद गरीब कल्याण विकास जी, ये सब जो तो मसले अंकल का भी जो प्रोफेशन था वो पब्लिक रिलेशन में थे, ऑफिसर थे, और उस प्रोफेशन में यही था कि भाई खबरों से ज्यादा रहता था, और शायद हाँ। पत्रकारिता को आपने इसलिए चुना था, लेकिन जब आपने डिसाइड कर लिया पॉलिटिक्स में आने का तो घर पे कोई चर्चा हुई नहीं? हमारे फादर ने तो बहुत बहुत सहयोग किया, रादर अब हम उनको मिस करते हैं, तो बहुत चुनाव वो संभाल लेते हैं। जब ऐसा कि जब कोई आदमी चुनाव की राजनीति में आ जाता है, ये कहने की बातें हैं, सारा परिवार प्रभावित होता है, चाहे वो पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सब लोग उसके दायरे में आ जाते हैं, क्योंकि लोग ना चाहते हुए उनको हाँ, वो सारा सबको करनी पड़ती है। स्वागत है आपका एक बार फिर से मुकेश अग्निहोत्री जी के घर में, हमें और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक नेता से इतर एक उनकी जो पारिवारिक जो जिम्मेदारियां उनको कैसे निभाते हैं, किस तरह से घर में वो एक पिता की तरह, भाई की तरह, पति की तरह रहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ आस्था भी हैं, आस्था अग्निहोत्री। आस्था, मैं तो स्कूल टाइम में देखा था आपको, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि सारी चीज़ें आप संभाल रहे हैं, तो ये पापा की डायरेक्शन है या कुछ और वजह, इसकी क्या वजह रही है? मैं एक लौती औलाद हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी जो परिवार के प्रति है, बस उसका ही निर्वाहन कर रही हूँ, और मुझे जितने लाड प्यार से मेरे पापा ने पाला है, मम्मा ने पाला है, हर दुख से प्रोटेक्ट करके इतने साल रखा है, तो अब मेरी भी बारी है कि मैं भी अपना फर्ज निभाऊं। आपने लंदन से लॉ की पढ़ाई कर ली, बैरिस्टर की डिग्री वहाँ से एक तरफ ली आपने, तो अभी आगे क्या करेंगे आप? ठीक है, ये तो मैं समझ गया कि पापा की मदद कर रहे हैं आप और वो करनी चाहिए, और बेटा बेटी एक ही बात है, लेकिन आगे आप क्या करना चाहते हैं? जी, मैंने LLB तो इंडिया से की थी, LLM ह्यूमन राइट्स लॉ में मैं लंदन से लेके आई थी डिग्री, उसके बाद मैं अब PhD कर रही हूँ HP यूनिवर्सिटी से, क्योंकि कोविड आ गया तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने, और मैंने नेट क्वालिफाई किया है। एक सामान्य परिवार की तरह मुझे यही सिखाया गया है कि खुशियों के दरवाजे शिक्षा ही खोलती है, तो उसी की तरफ मैं अभी आगे बढ़ रही हूँ। अगले साल तक उम्मीद करती हूँ कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। उसके बाद एक तरफ तो एडवोकेसी है ही है, और नेट क्वालिफाइड है, तो शिक्षा का भी एक, हाँ जी, वो दरवाजा भी खुला है।
मुकेश भाई, बच्चों के साथ जब भी पेरेंट्स की रहती है तो कोई ना कोई गाइडेंस तो रहती है आज की डेट में, हालांकि उतना ज्यादा बच्चे नहीं मानते अपना उतने, लेकिन आपके मन में क्या था, आस्था को क्या बनाना है? जहाँ तक मेरा सवाल है कि आस्था की लाइफ में बहुत ज़्यादा हमारा दखल नहीं रहा है, ये पांचवी या सिक्स से हमारे पास से चली गई थी, और सनार से एजुकेशन हुआ, फिर DPS से एजुकेशन हुआ, फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हुआ, फिर उसके बाद लंदन से, तो हमारे पास ज़्यादा ये रही नहीं है। और मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम अभी दो तीन महीने से इंटरेक्शन हुआ है, तो ना हमने कभी इन पॉलिटिक्स का इनको पता भी नहीं था। मुझे मालूम है कि एक बार मैं गया था दिल्ली में, जब ये वहाँ पे लॉ कर रही थी, तो उसमें मैं मिनिस्टर था, तो जब मैं वहाँ गया तो इन्होंने कहा, पापा आपने बार बार यहाँ नहीं आना है, यहाँ लोगों को पता नहीं होना चाहिए कि मैं किसी मिनिस्टर की बेटी हूँ, आप फ्लैग लगा के या कैंपस में नहीं आना है। तो बस एक आधी बार मैं इनसे मिला, और बाकी इन जो कुछ भी किया है, चाहे लंदन गए, लंदन ये गए, तो मैं तो ना तो इनकी डिग्री केस में जा सका, ना मैं इनको दाखिल करवाने गया। और उसके बाद अब PhD है, PhD के बाद PhD कर ले, डिलीट कर ले, जो भी करना है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि ये हमारे साथ तो अभी भी नहीं रहती हैं, ये चंडीगढ़ में अलग से रहती हैं, लेकिन जब यहाँ पे आई तो मुझे लगा कि लोग जो हैं इनको मेरे से कहीं ज़्यादा बात कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, लोगों से बात हो रही है, डायलॉग हो रहा है। कितना इससे लाभ आपको मिलता है, अगर हम पॉलिटिकल लाइफ की बात कर लें तो कितना अच्छी बात है, इसको मानते हैं आपको सपोर्ट मिलता है? नहीं, एक्चुअली पॉलिटिक्स इनका कैरियर तो है नहीं, हर बच्चा, हर पत्नी अपने पति की मदद की कोशिश करता है। हमारे परिवार का रुझान आपने देखा कि मैडम सिमी अग्निहोत्री का भी कोई राजनीति में दखल नहीं है, और मेरे परिवार का किसी का कोई दखल नहीं है, लेकिन हाँ, जब चुनाव लड़ना है और हम बाहर हैं, तो अगर परिवार जो है उसमें सहयोग करता है, तो जाहिर तौर पे कौन सा परिवार नहीं करता। तो परिवार जो है ठीक है, किसी चुनाव लड़ना एक अलग बात है, ये इनका चुनाव लड़ना मकसद नहीं है, इनका तो ये है कि हाँ, हमारे फादर जो है चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम इनको क्या विज़न दे सकते हैं, क्या इनोवेशन दे सकते हैं, इलाके में क्या नया होना चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, वो तो क्या क्या इनोवेशन नई आस्था से मिली? नहीं, अब देखो, जैसे आज बेटियों नई पीढ़ी के बच्चे हैं, आज जैसे बेटियों का सम्मेलन हो रहा है, तो मैं 4 बार का MLA हूँ, आज दिन तक मेरी इंटरेक्शन जो है, मेरी इंटरेक्शन एज सच बेटियों से डायरेक्ट नहीं हुई है कि अब मैं कहूँ कि 18 से 25 साल 20 साल की 22 साल की बेटियों के साथ मैंने कोई अलग बात की हो। हाँ ठीक है, यूथ का सम्मेलन होता था, लड़कों का सम्मेलन होता था, वो तो होता था, लेकिन लड़कियों की बात हो और लड़कियाँ इनको बुला रही हैं, लड़कियाँ इनसे बात करना चाह रही हैं, ये भी उनके साथ, मतलब कि हालांकि इनका जो बैकग्राउंड है वो कोई ग्रामीण प्रवेश का नहीं है, तो गांव में किस ढंग से हमें इंटरेक्ट करना है वो शायद इन्होंने नहीं सीखा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत बेहतरीन जो इनके पिक्चर्स आ रहे हैं, फ़ोटो आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, उससे पता लगता है कि उससे ये तो है कि हाँ, कि आम आदमी के साथ क्या क्या व्यवहार होना चाहिए। मुकेश जी ने बताया कि एक इनोवेशन तो आपने दे दी, कि देखिए मेरा ध्यान ही नहीं गया कभी कि 20 साल के पॉलिटिकल कैरियर में कि बेटियों का अलग से सम्मेलन किया जाए, लेकिन आपको क्या लगता है, फ्रेंकली मैं पूछना चाहूँगा कि अभी भी ऐसी क्या चीज़ है जो मुकेश जी को अभी भी करनी चाहिए जो नहीं कर पाए? नहीं, मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ, अक्सर नेताओं के बच्चों को सुनना पड़ता है आपके पापा ने काम नहीं कराया, या उनके रास्ते भी रोके जाते हैं, तो मैं तो उन मुकेश अग्निहोत्री की बेटियों जिनके साथ उनके लोगों ने नारा ही ये दिया है, विकास की गंगोत्री, मुकेश अग्निहोत्री,
और हरोली में जो विकास हुआ है, अक्सर मैं देखती थी जब पहले मेरे पापा मंत्री थे, दिन रात काम करते थे, भाग दौड़ रहती थी, तो मुझे समझ नहीं आता था। तो अब जब मैं हरोली के चप्पे चप्पे में घूमती हूँ तो मैंने देखा हर जगह विकास बोलता है। किसी ने जो सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ ऑडिटोरियम आएगा या स्किल डेवलपमेंट सेंटर आएगा, वो सब यहाँ पे है। और अक्सर मैं लोगों को सुनती हूँ, कहते हैं बिल्डिंग्स बना दी हरोली में, वो उनकी छोटी सोच है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सरकार को ज़रूर बोलूँगी, स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनके तैयार है, प्लीज़ उसे चलाएं, बच्चे सबके होते हैं। आपकी सोच मुकेश अग्निहोत्री जी से नहीं मिलती होगी, या आपकी जो भी शायद सरकार को पता भी नहीं होगा, वो सब तैयार है, फर्नीचर तैयार है, क्यों नहीं चलाया जा रहा स्किल डेवलपमेंट सेंटर, यही गुजारिश रहेगी। ज़्यादातर आपने हॉस्टल में बताया, जो बच्चा हॉस्टल में पढ़ा होता है उसको होता है कि मैं घर आऊँगा तो पेरेंट्स का प्रॉपर टाइम मिलेगा मुझे, लेकिन पॉलिटिक्स में निश्चित तौर पर उतना टाइम नहीं मिलता होगा, इस चीज़ को मिस करते हैं। मुझे कभी बचपन में इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि मम्मा ने मुझे हमेशा बहुत टाइम दिया और मेरे पापा जब भी जितना टाइम होता था वो देते थे। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो पापा रात को 12 बजे भी कई बारी पहुंचते थे, 2 बजे भी पहुंच रहे हैं, पर अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ जब तक मैंने किताबें बंद नहीं की वो मेरे साथ बैठे रहते थे, लाल आके कॉफ़ी दे रहे हैं। पॉलिटिक्स के दौरान भी, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हो गई, वो उन्होंने अपना सेहत का ध्यान नहीं रखा, पर मुझे कभी कमी नहीं हुई। अगर मैं कभी ट्रेन में जा रही हूँ तो जब तक मैं पहुँची नहीं, चाहे वो विदेश में ही था जहाँ टाइम डिफरेंस था, तो उनको चाहे 2 बजे 3 बजे वो तब तक सोते नहीं थे, लगातार फोन पे रहते थे। कॉफी बना लेते हैं और ये, हाँ जी अच्छी बनाते हैं, सिर्फ इसलिए कि बेटी पढ़ रही है। बहुत अच्छी। क्या क्या इनके हाथ का बना पसंद है? राजमा चावल, गुच्छी। हाँ जी, ये मौका मिलता है इनको? अब तो काम हो गया है, पर फिर भी कोविड में एक बारी फिर सबको मौका मिला तो, और ये म्यूजिक से हम जुड़े हुए हैं तो मिलके संगीत सुनना या बुल्ले शाह के कलाम पढ़ना, ये सब हम करते आए हैं। ऐसा कौन सा पहला काम है जो आप चाहेंगे कि इस बार आपके पापा जितने बात करें? जी एक तो, लंबी लिस्ट होगी, लोगों की भी लंबी लिस्ट होगी हम देख रहे हैं सुबह से, लेकिन बच्चों की भी लिस्ट होती है कि नहीं पापा आपने सबसे पहले ये करना है, जैसे अभी आपने कहा कि हमारा एक सेंटर बना है, गवर्नमेंट को चाहिए कि। जी सबसे पहले तो जो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हर बेटी को 18 साल से ऊपर 1500 रुपये माँ देंगे, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में घूमते हैं तो एक सोशल सिक्योरिटी की कमी है यहाँ, और ट्रेजिडीज़ भी हम शहरों में सुनते थे कि भारत गांवों में बसता है, पर कहीं ना कहीं दुख भी गांवों में बसते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत जरूरी है कि लगता है कि उससे जो पढ़ने वाली बच्ची है उसका कुछ नहीं होगा तो बस का किराया निकल जाएगा, कुछ चीज़ें हो जाएंगी, मोबाइल का खर्चा निकल जाएगा। जी बहुत किसी का दवाई का खर्चा है, कुछ है, क्योंकि अभी भी और एक और चीज़ है, मेरे पापा ने हरोली हॉस्पिटल बनाया था, दुलहर हॉस्पिटल बनाया, वो नहीं चला, सरकार अभी भी लोग धक्के खा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, तो सबसे प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि जो तैयार है चीज़ उसको पूरी तरह से चालू किया जाए। क्यों मुकेश, ये चुनावी जुमला नहीं होना चाहिए, आस्था कह रही है कि जी 1500 रुपये देंगे, ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपने घोषणा कर दी वोट ले लिए, मतलब ये देख लो पहला जो है दबाव घर से है। देखिए ऐसा है कि अगर घोषणा की गई है तो वो पूरी कैलकुलेशन के साथ पार्टी हाईकमान से डिस्कशंस के बाद, हमारे पार्टी के नेता अभी अब छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर आए थे, उन्होंने अनाउंस किया इस बात को, राजीव शुक्ला जी आए थे उन्होंने अनाउंस किया। हाँ ठीक है, ये लोग कहते हैं कि जी पैसा कहाँ से आएगा, अरे भाई आप लोग हटो, पैसा मैनेज करने वाले लोग आएंगे, आपने लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये घर में डिस्कस होती हैं? नहीं नेचुरली जो जो मतलब या सिर्फ हमारे साथ आस्था ने कहा है या वैसे ही बात होती है इस तरह की कि नहीं पापा ये करना चाहिए, होती है घर में क्या इस तरह? नहीं अब ये तो क्योंकि फील्ड में जा रही हैं, लड़कियों से मिल रही हैं, मेरे से ज़्यादा इंट्रैक्शन इनका पब्लिक के साथ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि चाहे वो आस्था अग्निहोत्री है चाहे वो सिमी अग्निहोत्री है, ये तो हेल्पिंग हैंड है मेरे लिए, इनका पॉलिटिक्स इनका मकसद नहीं है, लेकिन मैं राजनीति में हूँ और अगर मैं लगातार 20 साल से राजनीति में हूँ तो परिवार के सहयोग के बगैर तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। देखो सुख चाहे किसी के साथ भी बांटे जा सकते हैं, दुख तो परिवार ही बांटता है,
और हर इसलिए जो है परिवार तो एक अहम कड़ी है। ऐसा कभी हुआ कि आप बहुत ज्यादा परेशान होकर आए हो कि नहीं यार ये पॉलिटिकल पचड़ा ये वो, और आगे आए हो और आस्था के साथ आपने शेयर किया और उसके बाद तो चीजें बदली हो और आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए? नहीं, अब ऐसा ना कि हम, मैं अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 साल से राजनीति में है, अब परिवार को तो समय मिला नहीं, परिवार ने कोई कोई सत्ता को कोई एंजॉय थोड़ी नहीं किया है, ये लोग तो हर समय मेरी वजह से कि ये करो वाला करो ये करो, तो अब ये लोग भी चाहते हैं, जैसे परिवार तो हमेशा से ये चाहता है कि जी अब पापा बस करो, या और पत्नी भी यही चाहती है कि अब काफ़ी हो गया, 20 साल से लगातार हो गया, अब आप जो है छोड़ो और आराम से हमारे साथ जीवन व्यतीत करो, हमने हमने घूमने जाना है, हमने फिल्म जाना है, हमने बैठना है, आपके तो साथ खाना खाना है, मतलब मेरे तो ये माँ बेटी देख लेती हैं, गई हैं कभी आपस में डिस्कस कर लेती हैं, लेकिन मेरे ख्याल एक दिल्ली में लास्ट टाइम कभी देखी होगी। और लास्ट टाइम कॉफी कब बना के दीजिए आस्था को? अभी तो मैं क्रॉस चेक भी कर रहा हूँ साथ के साथ, कोविड के समय में थोड़ा बहुत हुआ होगा तो उस मतलब जब टाइम मिलता है तो करते हैं इस तरह। नहीं रेयर है, बहुत रेयर है, ज्यादा तो इन लोगों को बहुत ज्यादा डांट इनके हिस्से में ज्यादा आती होगी खुशी की बजाय, क्योंकि वो डांट तो फिर ऐसी होती है ना कि बाहर से परेशान हो गया है और किसी विषय पे भड़ास निकाल दी। पापा डांटते हैं? मुझे कभी डांटनी पड़ी नहीं, लेकिन वो तो कह रहे कि डांटनी नहीं, मैं अच्छा बच्चा हूँ, मुझे डांटनी पड़ी नहीं, अच्छे बच्चे की बात ठीक है, लेकिन वो पॉलिटिकल भड़ास से भी लगा होगी मम्मा मम्मा बस होता है। चलो अभी आप कहाँ जो है आप पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, अगर किसी ना जी की बात करें, ओवरऑल की बात करें, आपके पापा की पॉलिटिक्स में आपको लगता है डिटेरियोरेट हो गई है या इसको कैसे सुधारेगा? मैं यही देखती हूँ कि राजनीति बहुत मुश्किल है, मतलब हम देखते हैं कि एक लोग सोचते हैं कि हर बच्चा राजनीति में आना चाहता है क्योंकि उसके पिता राजनीति में हैं, पर मुझे लगता है ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे जिनके पिता राजनीति में हैं, वो खुद से राजनीति में आना चाहते होंगे क्योंकि बहुत मुश्किल है। पर यहाँ की मैं आपने बात छेड़ी तो यहाँ तो सबको लग रहा है कि आस्था हिल आने वाली है राजनीति में। नहीं, मैंने आपको बताया मैं पढ़ाई कर रही हूँ और एक बेटी का फर्ज निभाना है और यही हमारे संस्कार हैं, यही हमारे हमें सिखाया गया है, वो नहीं है। और मैंने कभी भी अपनी बात नहीं की, मैंने हमेशा जो मेरे पापा ने काम किए हैं और वो क्या उन्हें करना चाहिए आगे उसकी बात रखी है, यहाँ तक कि मेरे पास तो किसी पार्टी की मेम्बरशिप भी नहीं है। लेकिन काम इसलिए करें क्योंकि पिताजी पॉलिटिक्स में तो हेल्पिंग हैंड तो चाहिए। तो अगले सेक्शन में हम आपको मिलाएंगे मिसेज अग्निहोत्री से और फिर कुछ ऐसी बातें करेंगे जो वास्तव में ही दिल दिया गल्ला होंगी। बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। पॉलिटिक्स में आने से पहले ही जर्नलिस्ट थे, तो जर्नलिस्ट और पॉलिटिक्स दोनों मैं समझती हूँ कि एक थैली के चटे बट्टे हैं। काम एक जैसा रहता है, काम एक जैसा बिजी लाइफ इतनी रहती है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पहले भी ये बीइंग जर्नलिस्ट बिजी रहते थे, तो अब जो है पहले ये था कि थोड़ा बहुत मॉर्निंग में इवनिंग तक थोड़ा मतलब लाइट वेट काम होता था, पर अब जो है डे नाइट 24 घंटे वाला काम है, दौड़े रहते हैं। तो आप किस तरह से इन चीज़ों को बैलेंस करते हैं, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा हमने देखा कनेक्शन में रहती हैं लोगों के? नहीं, मेरा तो इतना योगदान तो नहीं है क्योंकि मैं साथ में जॉब करती हूँ, तो एडजस्ट करना टफ रहता होगा। नहीं, फिर ये अपना करते, मैं अपना करती हूँ। सर, बात आस्था से हो रही थी, मैडम को हम लोग देख रहे हैं, हमने बड़े माइन्यूटली देखा है कि ये हर इलेक्शन में लगी रहती हैं, ये तो ये चीज़ें कितना संबल देती हैं जी? नहीं, अब
परिवार की मदद के बगैर तो कोई भी मिशन फतेह नहीं हो सकता जी। अगर फैमिली का सहयोग ना हो तब कोई भी काम जो है अधूरा है। और ठीक है कि वो काउंट में नहीं आता, जो वर्कर करता है वो तो गिनती में रहेगा, वो रियलाइज भी कराएगा, वो एहसास भी कराएगा, लेकिन घर के लोग तो अपने अपने सम्मान के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए वो लगते हैं। और जो हमारे चार इलेक्शन रहे हैं उसमें इनकी निर्णायक भूमिका रही है। दूसरा जो है, हमें तो बहुत समय मिलता नहीं ईश्वर को याद करने का, हम तो लगे रहते हैं, लेकिन ये इनका सोच धार्मिक है, मंदिरों में जाना है, गुरुद्वारों में जाना है। पहले चिंतपुरी तक की यात्रा थी, फिर जैसे जैसे अगले अगले इलेक्शन आते गए तो यात्रा लंबी होती गई। ज्वालामुखी हमारी कुल देवी है। अच्छा जी। तो पिछले इलेक्शन में से पहले हमें ये एहसास हुआ कि ये चिंतपूर्णी तक जाते हैं और वहाँ ज्वालामुखी तक जाना चाहिए, तो ये यहाँ से नंगे पाँव वहाँ तक गए। तीन इलेक्शन में तो ये चिंतपूर्णी तक गए और मेरे ख्याल लास्ट इलेक्शन में ज्वालामुखी। भाभी जब बात इनकी पॉलिटिक्स में एंटर करने की आई थी तो उस समय आपका रिएक्शन क्या था, आपको क्या लगा था कि इन्होंने पूछा था पहली बात ही आप जाना चाहिए, या आपको लगा होगा कि नहीं जर्नलिज्म भी अच्छे, क्योंकि उस जमाने में तो जर्नलिज्म भी बहुत अच्छे दौर में था। बहुत पुरानी बात है तो इतना तो नहीं याद, पर ये कि हमारी तरफ से कोई वो नहीं था, कोई नहीं था जो इन्होंने कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका अपना कोर्स ऑफ एक्शन है। उस टाइम तो ये विजुलाइज भी नहीं किया होगा कि इतनी ज्यादा बिजी लाइफ होती होगी ना, क्योंकि हमें याद है कि जब जर्नलिज्म में थे तो सुबह शाम फिर भी आप लोग दिख जाते थे कहीं माल रोड पे चाय कॉफी पीते हुए, लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है कि एक एक यहाँ मीटिंग करेगा, एक वहाँ मीटिंग करेगा, यही है मुकेश भाई कि चलो आप उस गाँव में गए तो मैं इस गाँव में जाता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, ये अपना मूवमेंट रखते हैं इनके, हमें इलेक्शन के बाद पता लगता है, लोग कहते हैं कि आपकी वाईफाई थी वो मिले थे फलां गांव दूर दराज कॉर्नर में, कभी जाने का मौका मिलता है वहाँ बताते हैं कि मैडम आए थे, उन्होंने हमारा ये काम करवा दिया था, प्लान कर दिया था। तो नेचुरली जो मैंने कहा कि राजनीति में जो परिवार में बैकग्राउंड पे लोग होते हैं उनकी बहुत अहम भूमिका होती है। आखिर फेस पे तो हम लगता है कि हम लोग हैं, पर्दे के पीछे की जो नींव है वो तो पीछे से जो परिवार तो रहता ही है। भाभी जी मिस करते हैं आप उन ओल्ड डेज को, माल रोड पे घूमते घूमते कहीं भी आप निकलते थे, मुझे याद है जो मिल गया उसको पकड़ के कि चल मोमोज खा ये खा, मुझे अच्छी तरह से याद है, तो उस दौर को तो मिस करते होंगे अभी। नेचुरली तो एक अलग किस्म का वो था, अब तो माल रोड कई जमाना हो जाता है, तो फ्रेंड सर्कल को भी मिस करते होंगे फिर तो, क्योंकि नया पॉलिटिकल सर्कल बना। एक्चुअली मेरी स्टोरी कुछ अलग है जी। मैंने अपने आप को फ्रेंड्स मेरी नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसके साथ शेयर किया जाए या कुछ, मैंने अपने आप को इन दोनों के प्रति वो रखा है, डिवोट कर दिया है कि जो इनके फ्रेंड्स है वो ठीक है भाई, मेरे लिए वही ठीक है। अच्छा पहली बार भाई आप कब मिले थे? अब तो लंबा समय हो गया, तो मैं उसी को याद करना चाहता हूं, मेरे प्रोग्राम का ऐसे ही हुआ। अब तो 30-32 साल हो गए होंगे। यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे मैम आप तब? हाँ नहीं, मैंने एमफिल कर ली थी और हिमाचल टाइम्स में काम करती थी, फिर इंडियन एक्सप्रेस तब मिले थे और तब ये पत्रकारिता में थे। तो क्योंकि आपकी तो लव मैरिज है तो घर पे इधर या उधर से कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा लव मैरिज में जो आज की लोगों की सोच है उसमें लगता है कि नहीं लड़ते रहते हैं, तो आप में लड़ाई होती है?
जहाँ दो बर्तन होंगे लड़ाई तो होगी। लास्ट टाइम कब हुई थी? रोज ही चली रहती है। रोज चली रहती है। तो ये क्या पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर होती है कि नहीं मुकेश जी ऐसा नहीं ऐसे करना है, या घर के मामलों को लेकर होती है? नहीं, घर के मामलों में तो ये दखल नहीं देते हैं। जो करना है घर में तो घर में आपकी चलती है। मेरी चलनी क्या मतलब, जो मतलब ये पूछते नहीं है कि जो कर रहे हैं वो ठीक है, जो ठीक है कर रहे हैं। घर में पूरी छूट है कि जो आपने बोलना वही होना है। हाँ, घर में तो अब ये तो या तो बाहर का देखें या अंदर का। हाँ, दोनों चीजें तो नहीं देख पाएंगे, तो इनको हमने छूट दे रखी है कि आप बाहर देखो, घर का कोई आ रहा है जा रहा है, रिश्तेदारी है तो उनके साथ डील करना। तो कुछ चीजें जैसे लगता है कभी कभी दिल करता है कि मुकेश जी आज, जैसे आस्था ने बताया कि पापा कॉफी लाते हैं, तो कभी ऐसा भी हुआ मुकेश जी ने आपको कॉफी? नहीं, बीमार होती हूँ तो करते हैं। अच्छा, देन ही लुक्स आफ्टर प्रॉपरली। क्या 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 खिलाते हैं फिर बना के? तब जो जो आता है इनको, क्या इनके आपके हाथ की इनको कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद है? ये खिचड़ी बहुत अच्छी बनाते हैं, खिचड़ी, सफेद चने, गुच्छे की सब्जी बना, सब कुछ लेते हैं अगर मूड हो। टाइम और मूड दो चीज़, टाइम और मूड, मूड हो। पर कभी ऐसा भी आपने बोला कि नहीं मुकेश जी आज तो भी कुछ नहीं होगा तो तड़का ही आप लगा दो? नहीं नहीं, ऐसा टाइम ही नहीं है, फिर हम भी डिस्टर्ब नहीं करते कि ठीक है अपना जो टाइम किचन में वेस्ट करना उससे अच्छा है कि अपना दिमाग जो है वो जिस काम की डेवलपमेंट में लगाएं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँ क्योंकि प्री पॉलिटिकल जो टाइम था आपका, उसमें आप मूवीज म्यूजिक क्या सुनते थे आप? जब शादी हुई तो ये सूफी म्यूजिक सुनते थे, तो मैंने आज तक सूफी म्यूजिक सुना नहीं था, तो मैं इनसे पूछूं कि आपके पास और कोई कैसेट्स नहीं है? तो उस समय तो टेप रिकॉर्डर होता था, तो सेट के नहीं। फिर इन्होंने मेरे को कौन था किशो, नुसरत फतेह अली खान, उसका एक कलाम, एक गाना, एक लाइन बजनी, फिर उसका मीनिंग समझाना, तो उससे फिर मेरा ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट सूफीज हो गया। मुझे याद है मैंने एक बार आपकी गाड़ी में भी सुना था नुसरत फतेह अली खान को ही सुना। अब मुकेश भाई गाते भी हैं? गाते भी हैं? गाते नहीं है, माउथ ऑर्गन बजाते हैं। कौन सी धुन आपको सबसे पसंद है इनकी माउथ ऑर्गन पे? सारी मुकेश जी पुराने गानों पे। फिर आज तो धुन बनती है। आप गला क्रासिए चाय से और फिर हम सुन लगाएंगे। ये चीजें तो प्रैक्टिस की चीजें हैं। नहीं, लेकिन हमने वैसे भी सुना है कि आप, हमने खुद भी सुना है कि आप अच्छा बजाते हैं। ये तो जो माउथ ऑर्गन है ये बच्चों का इसमें एक्चुअली ये बच्चों का माउथ ऑर्गन है। पर ये धुन जो है आपने शादी से पहले भी बजाई थी जब भाभी को मिले थे या? शादी से पहले ही बजाया ये धुन ऐसी है, प्यार किया दिल ने कहा। ये शादी से पहले ही बजाया, बाद में तो बहुत रेयर बजाया जी। मुकेश जी प्रपोज किसने किया था आपने? ये भाभी ने? नहीं, नेचुरली हमने किया। तो क्या रिएक्शन था इनका तब? नहीं ठीक है, क्वालिफाइड थी, एमफिल की हुई थी, पीएचडी कर रही थी जी, और ये तो ऊपर वाले के तय हुए रिश्ते हैं जी। तो ये है कि परिवार को शेप देने, आकार देने में बहुत बड़ा योगदान है। जब हमारी शादी हुई तो उस समय हम संघर्ष के दौर थे, साधारण जर्नलिस्ट थे, संघर्ष का दौर था। फिर जर्नलिज्म में बहुत इनका, ये जब आए उसके बाद बहुत बहुत
जर्नलिज्म में हमने बहुत ऊंचाइयां देखी, और इस यहाँ पे ठीक है राजनीति एक फील्ड माना जाता है और उसकी ऊंचाइयों को ही ऊंचाई माना जाता है, लेकिन जर्नलिज्म की ऊंचाई जो है वो हमने देखी, एहसास किया, और उसमें ये साथ थे, उसमें ज़्यादा समय मिलता था। अब तो पब्लिक सर्विस है, जन सेवा है, और बदल जाता सारा। अब रात को भी मैं 2 बजे आया हूँ, ये सब लोग उस समय तक सो चुके थे। अब हम सुबह उठे हैं, सुबह अगर आज आपका समय ना होता तो अब तक हमने फिर निकल जाना था। तो परिवार समय की बात आ रही है, और नॉर्मली जैसे रहता है तो आप मूवीज़ म्यूजिक ये कभी लास्ट टाइम कब हुआ था कुछ याद आ रहा है? मूवी जो मेरे को याद आ रही है, देवदास दिखाने के लिए ले गए थे ये, हॉल में बैठे तो थोड़ी देर बाद देखा तो मुकेश थे नहीं, फिर जब खत्म हुई पिक्चर तो ये आगे थे। तो शिकायत भी हुई बीच में कहाँ गायब हो गए? तो वही हमें पता था कि अपना काम करने गए होंगे। अच्छा, आपने कहा कि दो बर्तन होंगे तो निश्चित तौर पर टकराएंगे भी, पर अमूमन लड़ाई जो होती है, लास्ट टाइम कब लड़ाई हुई थी आपकी? आपने कहा रोज ही होती है, कल तो नहीं हुई होगी। नहीं, जब फोन पे भी हो जाती है। अच्छा अच्छा, वो किस 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 तरह से, मतलब किस मुद्दे पे रहती है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। वही कि फलां का काम नहीं हुआ, फलां का नहीं हुआ, लोगों के फोन आपको आते होंगे कि है। और इन्फ्लक्स इतना ज्यादा है लोगों की एक्सपेक्टेशंस का, कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं लोगों की। और पहले जब पहला इलेक्शन लड़ा था 2003 में, उसमें और आज के इलेक्शन में बहुत फर्क है। जैसे चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, सिमिलरली इस फील्ड में भी चेंज आया है। मुकेश जी की एक खबर पे पूरी सरकार हिलती थी, जो पत्रकार थे इन्होंने भी कहा कि मैंने जर्नलिज्म की ऊंचाई देखी, और निश्चित तौर पे देखी है। अगर मैं आपसे पूछूं तो वो दौर आपको अच्छा लगता था, ये दौर अच्छा? वो दौर अच्छा था। हासन ने बताया कि मैं चाहूंगी कि पापा पहला काम ये करें, कि जो उन्होंने घोषणा कर दी है 1500 बोलिए, बिल्कुल महिलाओं को अगर हमें सशक्त करना है तो सशक्तिकरण बोलने से नहीं आएगा। हमारी जो मैं पढ़ाती हूँ उसमें एक थ्योरी है, उसमें आता है पोस्ट कॉर्प, कि पहले हमें उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उसके लिए स्टाफ चाहिए, फिर कोई देयर शुड बी समवन हु कैन डायरेक्ट कि ऐसे नहीं ऐसे करो, फिर कोऑर्डिनेशन। अगर मान लीजिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चलाए हैं तो उनमें कोई भी मैं कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलता, अपना अपना कर रहे, वो प्रोडक्ट को जो बनाया है वो बेचेंगी कहाँ, तो कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो उनका वो घरों में पड़ा हुआ है, शुरू तो करा दिया, लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट भी की, गवर्नमेंट ने भी पता नहीं कुछ दिए होंगे पैसे, लेकिन दैट इज़ जस्ट आई वॉश। अगर प्रॉपरली वाकई महिला को सशक्त करना है तो सबसे पहले तो हमें अपनी बेटी को सशक्त करना होगा। जब तक बच्चा सशक्त नहीं होगा, उसको अपने अधिकारों के बारे में मालूम नहीं होगा, उसको ये समझ नहीं आएगी कि मुझे अपने पाँव पे खड़े होना जरूरी है। हम लोग जब आज की पॉलिटिक्स को चर्चा में बैठते हैं कहीं भी, या इवन आम आदमी बैठता है, तो बात होती है मुकेश जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, या वो या वो या वो, क्या घर में ये चीज़ डिस्कस होती है कि मुकेश जी चीफ मिनिस्टर की रेस में हैं तो आपको ये करना है या करना है, या इस ओर को ध्यान नहीं है घर का, कि मतलब आपका आपको आप इस मुद्दे को डिस्कस करते हैं कि चीफ मिनिस्टरशिप बननी आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, या इसको करते कि नहीं हमने जनसेवा पहले करनी है? ऐसे है, जीतेंगे तब जाके ये सेकेंड फेज है, और क्योंकि मैं भगवान को मानने वाली हूँ तो जो मुकद्दर में होगा, अगर इनके मुकद्दर में इनके माथे पे अगर चीफ मिनिस्टर का तिलक लगना होगा तो लग के रहेगा। तो पर पहले हमें अपनी सीट को निकालना है, सीट जब तक नहीं निकलेगी उस बारे में हम चर्चा नहीं करते। हम सिर्फ अभी तक घर में जो चर्चा होती है वो चर्चा होती है कि सीट को कैसे निकालना है, मतलब फलां गांव छूट गया तो वहां जाओ, और ये कौन कैसे किसको कैसे मैनेज करना है। तो हम चीफ मिनिस्टर की कोई बात नहीं करते घर में, रीजन
कि बनना होगा तो पहले खुद जीतना होगा, तो पहले जीत ये सेकंड लाइन है। तो प्रायोरिटी इस समय हमारी अपनी सीट को निकालना। कभी कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है उसको भी कभी डिस्कस करते हैं आपसे? नहीं, मेरा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। मेरा इंटरेस्ट ये रहता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ कॉन्सेंट्रेट करो, और ये है बाकी डिस्कशन करने के लिए। तो सर, कोई एक ऐसा जो आपकी मेमोरी हो दोनों की, वो हम जानना चाहेंगे, जो मुझे लग, जो मुझसे भी छूट गई हो कोई इंसिडेंट। कभी ऐसा हुआ हो कि रूठ के आप चले गए हो, भाभी पैदल आई हो, या भाभी गाड़ी लेके चली गई आप पैदल आए हो? नहीं, ये गाड़ी तो पहले ये नहीं चलाती थी, बाद में चलानी शुरू की, और शी इज़ अ गुड ड्राइवर, ये अच्छा गाड़ी चलाती हैं। आस्था भी गाड़ी चलाती हैं, सब अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। और हमारा ये मानना है कि अब जब मैं दिल्ली में था तो ये आस्था को लेके गाड़ी में लेके मंडी जा रही थी, तो इनसे एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो पैनिक हो गया, गाड़ी नई, बिल्कुल नई गाड़ी थी, पैनिक भी हो गया। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैं लगभग 4 घंटे में जो है वहाँ, 4-5 घंटे में वहाँ पहुँचा। तो मैंने आके देखा कि हालांकि कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था, इनको कोई चोट नहीं लगी थी, और लेकिन इन्होंने शोर इतना मचा दिया कि मुझे दिल्ली से भागना पड़ा। कि सखियों के साथ में आस्था भी थी, आस्था पीछे पीछे वाली सीट पे बिठाई हुई थी और खुद ड्राइविंग कर रहे थे। तो कुछ ड्राइवर ने कुछ कह दिया होगा दूसरी गाड़ी वाले ने, तो इनको लगा कि जो है मुझे सीधे ही जो है वहाँ। तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। भाभी जी, आपको तो अच्छा लगा होगा ना कि चलो ठीक है, हम लोग तो बाय गॉड्स ग्रेस सेफ हैं, लेकिन मुकेश जी दौड़े गई। नहीं, इनको तो जाके एक्सीडेंट तो मेरा हुआ था चुखाला मारकंडे पुल के ऊपर। अच्छा। तो वहाँ मोबाइल तो चलता नहीं था, और लॉन्ग बैक, आस्था बहुत छोटी थी, और मेरी शुरू से आदत थी कि आस्था को पीछे ही बिठाती थी। तो वहाँ मोबाइल तो चलता नहीं था, और वहाँ पुल पे फिर जाम लग गया। तो वो बोले कि आपकी गलती है, मैं बोलूँ मैं तो बिल्कुल एंड पे हूँ और पुल ख़त्म कर रही हूँ, तो गलती उसकी थी, है ना। तो मतलब वर्चुअल उसने फेंडर फोंडर सब तोड़ दिया था। तो पीछे से एक बस वाला आया, तो वो संभाव कभी उसकी, मेरे डैडी ने हेल्प की थी, तो उसने जब मेरे को पहचाना तो वो फिर उसने गाड़ी का वो फेंडर वगैरह बम्पर वगैरह सीधा किया। तो मैंने बोला देखो चल पा रही है, तो बोलता चल रही है, तो बोलता मैं बस आगे करता हूँ, आप पीछे पीछे लेके आओ। तो घाघस जब हम पहुँचे तो फ़ोन बजा, तो मैं आस्था को तब तक बोलती आई कि आस्था मैंने तो देखी नहीं है गाड़ी कितनी टूटी है, तूने पापा को नहीं बताना कि गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, हम सीधा इसको ना कॉम्पिटेंट दे देंगे, और पापा को नहीं बताना। पर वो कहने की बातें होती हैं। जैसे ही इनका मुकेश का फ़ोन आया तो मैंने एकदम से रोना शुरू कर दिया। अच्छा, लोग भी पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि टूटी हुई गाड़ी माथे पे, क्योंकि वो मंदिर में सिंदूर लगा था तो वो बिखर गया था, तो लोगों ने सोचा खून बह रहा है, और तब भी लेडी गाड़ी चला रही है। तो मैं आस्था को पूरे रास्ते, पर जब फोन बजा तो आप ही ने बताया मैं नहीं कि मेरा तो एक्सीडेंट हो गया है। तो ये बोले कहाँ है, मैंने कहा अब तो घाघस पहुँच गई हूँ, तो बोलते जाओ वहीं रहो, और इन्होंने मंडी फ़ोन किया तो उनको भेजा। तब तक मैं निरशोक पहुँच चुकी थी। आप कभी रूठ के मायके भी गए? रूठ के लड़ाई हुई तो मायके भी गए? लव मैरिज किए तो जाने का सवाल ही नहीं। ये सवाल अगर आप पलट के मुझे ना करें मुकेश भाई, तो मैं पूछूंगा कि आप भाभी से डरते हैं? है? ऐसा तो मैं से नहीं पूछ लेना आपने मेरा पलट के, क्योंकि शादी तो मेरी है। ऐसा है कि डर की तो कोई बात नहीं है, परिवार तो
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में चलता है, लेकिन अब जब मेरा परिवार में कोई दखल ही नहीं है इस घर में क्या है, क्या बन रहा है, कौन आ रहा है, उसको क्या क्या खिलाया जा रहा है, क्या अटेंड किया जा रहा है, ये मुझे नहीं लगता कि हम 30 साल के जीवन में हमने कभी भी घर के बारे में कोई डिस्कशन की हो, या कौन सा सोफा लगा है, कौन सा एसी लगा है, कहाँ क्या लग रहा है, कौन सब भाभी देखते हैं, सब घर में पैसे हैं या नहीं हैं, मुझे ना कभी कोई अकाउंट का पता है, ना मुझे अपनी सैलरी का पता, ना मुझे इनकी सैलरी का पता है, ना मुझे ये पता है कि आज तक की फीस इन्होंने कब दे दी, कब किया, कब टिकट बुक करा दिया, मैंने कहीं जाना है, बोल देते हैं इनको टिकट बुक हो जाती हैं, चले गए आगे, तो वो तो उस लिहाज से तो कोई बात ही नहीं है, हमारा तो सिर्फ सारा ध्यान राजनीति में ही। कभी ऐसा भी होता है कि सेरेमोनियल तौर पे ही सही आपने होता है ना कि हस्बैंड वाइफ को कहता है कि थोड़े से पैसे रख लो कुछ ले लेना भी, ऐसा हुआ कभी आपको याद आ रहा लास्ट टाइम कब हुआ था? नहीं नहीं ऐसा इन्हीं के पास है सारा, तो है, जब इन्हीं के पास है, कभी मुझे मुझे ये पता है कि मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई है, जब जो बोल दिया है वो हो गया है, नहीं तो कोई क्या करना है, मैंने कहा ना कि बेटी की एजुकेशन को लेके उसको लास्ट टाइम क्या गिफ्ट दिया था आपने भाभी को, कभी याद आ रहा होगा, और कब दिया था? गिफ्ट कुछ नहीं है तो और अपने आप ही तय करती हैं, इनको कपड़े पहनने का शौक है, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई शौक है, पहले खाने का था, वो डाइटिंग जब से शुरू कर दी है अब खाने का ज़्यादा शौक है नहीं, आप देखते हैं कि वजन कितना गिरा दिया है, पहले खाने का बहुत था, रेस्टोरेंट्स में जाने का, घूमने का, पहले दूर दराज के मंदिरों में जाने का बहुत था, अब वो भी मुकेश जी ने बोला भाभी कि इस कलर का सूट बढ़िया लगता है, वो लेना आपने, चलो मान लो खरीद के लिए भी लाए होंगे, तो कोई चॉइस बताई होगी कि और जो आपने पहन लिया ठीक है तो इस चीज का मलाल रहता है कि नहीं बोलिंग रहे बंदा कि यार ये पहनो वो पहनो नहीं, मतलब इनको ये है कि कपड़ा वो पहनो जो जिसमें वल्गैरिटी ना हो, तो क्योंकि खुद यूनिवर्सिटी में हूँ तो कॉन्शियस रहना पड़ता है, और खुद भी मुझे नहीं पसंद कि मेरी बेटी भी कल को डीप नेक क्या वो उस तरह से पहन के चलना शुरू करे, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है सभ्यता है और खासकर जब हम एक सामाजिक जीवन में राजनीतिक जीवन में रहते हैं तो हमें हमारा व्यवहार हमारा खान पान हमारा पहनावा और हमारा बोलचाल का तरीका ये सारी चीज़ें लोग नोटिस करते हैं, तो जब नोटिस करते हैं तो हमें भी हमारा कर्तव्य है कि हमें पर्टिकुलर रहना पड़ता है, रहना पड़ता है कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि दूसरों की नज़रों में हम कि लोग ये कहें कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसी तरह से हम मतलब अपनी मेरी ज़्यादा कोशिश रहती है कि जो हमारी भारतीय परंपरा है इंडियन परंपरा है और जो हिमाचल की हमारी परंपरा है उसको जीवित रखने की, घर में भी हम जो खान पान है उसमें हम बिल्कुल सादा ना नॉनवेज लेते हैं, तो आस्था भी नॉनवेज लेती मैं लेती थी, अब मैंने भी छोड़ दिया, तो घर में नॉनवेज भी नहीं बनता, सावन के पूरा एक महीना प्याज नहीं बनता हमारे घर में, तो नॉर्मल लोगों की तरह नॉर्मल खाना, और पहले जब ये जर्नलिस्ट थे तो जब हम दिल्ली वगैरह कभी जाते थे इनके साथ, जब ये दिल्ली पोस्टेड थे तो ये हवेली पे रुकते थे, फिर जब CPS बने तो कहीं ढाबे पे रुके, मैंने बोला मुकेश इतना तो स्टैंडर्ड नहीं गिरा हमारा कि हवेली से सीधा ढाबे पे ले आए आप, तो खाना तो हम वहीं खाएंगे, तो इनको लगा कि ढाबे में जल्दी से हो जाएगा, मेरे को आगे टाइम दिया हुआ है तो जल्दी हो जाएगा, तो उस वे में शॉपिंग पे लास्ट टाइम इकट्ठे कब गए? शॉपिंग पे इनको शायद अपने बनियान का भी साइज पता नहीं है, इनके कपड़े भी सारे मैं खरीदती हूँ खुद लेती हूँ,
जो मेरे को अच्छा लगे और जो देती हूँ वो पहन भी। ज्यादा ज्यादा होते शॉपिंग सेंटर तक चले गए साथ में घूमते रहे, जो आपने लेना लोगे? जाते नहीं, जाते नहीं। और ऑर्नामेंट्स का भी लेडीज को शौक होता है, स्टोर से सबको होता है, कम ज्यादा होता है। कभी कोई ऑर्नामेंट लास्ट टाइम क्विक दिया हो, अंगूठी नेकलेस? ये बोलते जो लेना ले लो पर मेरे ऊपर कर्ज नहीं चढ़ाना। अपनी तनख्वाह से लो? नहीं ऐसा भी नहीं, तनख्वाह तो मतलब मेरे पास ही है इनकी भी तो। लेकिन उतना ले जितना हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब जितनी चादर है। ऐसा कि हमें 20 साल पॉलिटिक्स में भी हो गए, 5 साल मिनिस्टर भी हम रहे, चेयरमैन भी रहे, CPS भी रहे, लेकिन ये हमारा फुल टाइम जॉब है राजनीति भी। हमारे कोई क्रशर नहीं चलते, हमारी कोई बसेज नहीं चलती, हमारी कोई ट्रक नहीं चलते, हमारी कोई फैक्ट्रियाँ नहीं चलती, हमने कोई जो है ऐसे कारोबार नहीं किए हैं जिससे कि कोई कहे कि कोई इनकम के दूसरे स्रोत हमने वो किया हो, कोई कारोबार नहीं। हमारा सीधा है, जितनी तनख्वाह मेरी आती है जितनी या इतनी इनकी आती है, लगभग दोनों की बराबर बराबर ही आती है। तो लगभग 5 लाख के आसपास हम दोनों की सैलरीज आती हैं, वही हमारे अकाउंट में आती हैं, वही हमारा जो है एकमात्र साधन है। मुझे बहुत लोगों ने कहा कोई कि ये कर लो वो कर लो, हमने कहा ये हमारा कप ऑफ टी नहीं है। कोई कोई कहता है कोई कॉलेज खोल लो, कोई कहता है स्कूल खोल लो, कहीं किसी पॉलिटिशियन ने नर्सिंग का खोल दिया, किसी ने लॉ का खोल दिया, किसी कोई फार्मेसी का खोलता जा रहा है, कोई क्रेशरी लगाता जा रहा है। खोले आपने भी लेकिन लोगों के लिए खोले आपने? हाँ ठीक है, हमारा काम ही पब्लिक के लिए है, पब्लिक के लिए करना है। तो लेकिन आज भी हम इसलिए जीवन शांति से जी रहे हैं कि हमने कोई ऐसा काम धंधा नहीं किया राजनीति में आके कि जिससे कि कोई कहे कि जी इनके ये सोर्सेज चेक करो। हमारा सारा वाइट का पैसा है, जो भी तनख्वाह आती है। अब कल आपके सामने 3 लाख भाभी ने बताया, आपने भी बताया कि मुझे तो पता नहीं आज तक पीस कर देती भाभी। हाँ तो हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारा सीधा ही है कि हमारे पर आज के दिन में कर्जा कोई नहीं है, है? अब हाँ इस ये जो हमारा मकान है ये विधानसभा से इस पे विधानसभा से इस पे एक करोड़ रुपए का लोन जरूर था जिसमें 50 लाख हम वापस कर चुके हैं, 51 लाख जो बाकी का होगा वो हम कर देंगे वापस। लेकिन इसके अलावा कर्ज लेने में हमारा विश्वास नहीं है, ना हम लेते हैं, उन्हीं रिसोर्सेज में हमें करना है। ठीक है, पब्लिक के प्रति जिम्मेवारियां हैं, इनको मैंने ये कह रखा है कि मेरा ये घर जो है पब्लिक का घर है, ये इनका घर नहीं है किसी का भी। पब्लिक आती है, हर कमरे में आपको पब्लिक मिलेगी, मेरे बेडरूम में भी मिलेगी, हाँ बेडरूम में भी, ऑफिस में भी मिलेगी, ऊपर भी मिलेगी, हर कमरे में आपको कोई ना कोई बैठा हुआ मिलेगा। इनको हमने कह रखा है कि भाई ये कोई पाबंदी नहीं, जहाँ मर्जी जाए, जो आदमी जिधर आता है जिधर बैठता है जो करता है, है उसको आने दो। इसके अलावा आज पॉलिटिशियंस को सबसे बड़ा तनाव भी ये जो काम धंधों का है और उसी से उनकी पर जांचे उनकी पड़ताल। इस लिहाज से तो आप लोग भी लकी महसूस करते होंगे, ठीक है जब इस तरह की चीजें नहीं है तो आक्षेप भी नहीं है। कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, अगर ये करना भी चाहे तो हम करने नहीं देंगे। क्या बात है, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं, एक बेटी है, अगर इसके भाग्य में होगा तो ये खुद कमा के भी। आप क्या देखना चाहते हैं आस्था को बनते हुए? मेरा तो है कि ये जुडिशियल सर्विसेज ज्वाइन करे, बट जरूरी नहीं दबाव कि दबाव नहीं है, जो दबाव नहीं है अपने उसे। तो लॉ में जाए इसकी इच्छा थी आपकी, लॉ करने की इसकी इच्छा थी आपकी? लॉ जरूर मैंने अपनी इच्छा से करवाई, क्योंकि जब ये ग्रेजुएशन इसने करनी थी तो ग्रेजुएशन 5 ईयर्स की होगी थी, बीच में चेंज आया था, तो मैंने इसको कहा कि सिंपल ग्रेजुएशन करने से अच्छा है कि तुम 5 ईयर लॉ कर लो। तो 5 ईयर लॉ, उसमें भी 5 साल लगने हैं, इसमें भी, तो उसमें कम से कम तुम्हें एक डिग्री मिलेगी, प्रोफेशनल डिग्री मिलेगी। तो जब इसने ज्वाइन किया तो इसका इंटरेस्ट बना, फिर ये मास्टर्स करने लंदन चलेगी, तो वहाँ पे भी मैरिट लेके आई है, क्वीन कौन सा बेटा, मैरी क्वीन मैरी
कॉलेज से इसने अपना मास्टर्स किया ह्यूमन राइट्स में, तो ह्यूमन राइट्स में इसका हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। अब पीएचडी फिर आते ही इसने नेट का एग्जाम दिया दिसंबर में, तो नेट भी इसने क्लियर किया। फिर इसने एशपी यूनिवर्सिटी में ही उस समय पीएचडी की वैकेंसी निकली थी, कोरोना की वजह से बाकी सारी पोस्टपोन कर दी गई थी, तो उसमें भी इसने टॉप किया था। तो एचपी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर लिया। अब लोग सब हैं यहाँ पे, नॉर्मली इस चीज़ के लिए तो तरसते होंगे सारे इकट्ठे बैठे, क्योंकि वो अपने पढ़ते हैं, आपको अपना अपना काम रहता है। नहीं, अब आदत बन गई है, आपके बहाने आज बैठ लिए सभी इकट्ठे। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जी, आपका भी, भाई साहब आपका भी, और आस्था का भी हम धन्यवाद करेंगे। तो आज हम आपको ये बता रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जब नेता नहीं होते, पति होते हैं, पिता होते हैं, भाई होते हैं, या किसी के मित्र होते हैं, तो किस तरह से वो रहते हैं। आने वाले एपिसोड में हम जो है आपको कुछ और नेताओं से भी मिलवाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये देख सकें कि वो भी नेता से इतर किस तरह अपना निजी जीवन जो है वो जीते हैं। देखते रहिए पंजाब केसरी।